जना वैली, खुश आमदेद कहते हैं आपको सिर्फ एक्सेल ने की हमारा सेगमेंट, और हमारे मेहमान कौन जी है? जनाब ये वक्त हमने मुख्तस कर रखा है उन इदारों के लिए, उन अफराद के लिए जो कि इंसानियत की बिला तफरीके रंगो नस्ल, बिला तफरीके मजहब व मसलक खिदमत कर रहे हैं। उन्हीं में से एक ऐसा इदारा के जिससे मेरा ज़ाती ताल्लुक बहुत क्लोज है, और मैं खुद जाकर मुतअद्दिद मरतबा देख चुका कि किस तरह से वहाँ पे ख़ानदानों की अफराद की मदद की जा रही है, और वो इदारा है KDSP यानी कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम, जिसकी बुनियाद भी बड़ी जब हम वो दास्तान सुनते हैं तो बड़ी इंस्पायरिंग है, और काम भी बहुत इंस्पायरिंग है जब तक माशाल्लाह किया जा रहा है। उसके बानी हमारे साथ मौजूद हैं, अली अल्लाह वाला। और अस्सलाम वालेकुम अली भाई, क्या हाल है? खैरियत से आप? ठीक ठाक है। फायजा वहाब साहिबा हैं, आप स्पीच थेरेपी की हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, और एक फैमिली भी है जो कि जिनका बच्चा ये इसी डाउन सिंड्रोम से गुजर रहा है। तो अली भाई से हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अली भाई, मेरा ख्याल हम 2-3 बरसों से बात कर रहे हैं, लेकिन हर बार ये बहुत अच्छा लगता है सुन के कि एक वो प्रॉब्लम या वो आजमाइश जिससे अल्लाह ताला ने आपको गुजारा, आपने बजाय इसके कि उसको कमज़ोरी बनाते, उसी से आप बहुत सारे लोगों की मजबूती और तवानाई बने माशाल्लाह। तो ज़रा बुनियाद कैसे रखी गई KDSP की, अगर आप शेयर करना चाहें हमसे तो? जी इकरार भाई, ये टू बी वेरी ऑनेस्ट, अल्लाह ताला ने हमें एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दी। हमें जब अल्लाह ताला ने आज से 11 साल पहले एक हमारी पहली औलाद से नवाजा, मेरी बड़ी बेटी जिसका नाम अलिया है, तो अलिया डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा हुई थी। और जैसे हम हमेशा बात करते हैं, पाकिस्तान में उस वक्त डाउन सिंड्रोम के हवाले से ना सिर्फ आगही की कमी थी, बल्कि जो सर्विसेज इन बच्चों को जिनकी ज़रूरत होती है, क्योंकि इनकी परवरिश डिफरेंटली होती है, तो वो अवेलेबल नहीं थी। तो यू नो, शुरू के जो कुछ महीने थे वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ट्रोमेटिक थे, इसलिए क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हैं कि यंग पेरेंट्स होने के नाते अपने बच्चों की खातिर तो इंसान हर चीज़ लेने के लिए तैयार होता है, लेकिन जब आपको वो ना मिले तो आप फिर बहुत हेल्पलेसनेस और होपलेसनेस का शिकार होते हैं। लेकिन फिर हमने दुनिया भर ट्रैवल किया और फिर दुनिया में ही देखा कि जी वहाँ तो तासुर ही कुछ और है, 180 डिग्री शिफ्ट था, क्योंकि वहाँ पे तो डाउन सिंड्रोम के साथ ज़िंदगी गुजारने वाले लोग माशरे का एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग वैल्यू एडिंग हिस्सा थे। तो उस जर्नी से सॉर्ट ऑफ इंस्पायर होके हमने ये सोचा कि पाकिस्तान में तकरीबन 3 लाख के करीब अफराद हैं जिनको डाउन सिंड्रोम है, तो इनकी कौन रहनुमाई कर रहा है, इनको कौन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो हमने एक छोटा सा 2014 में 7 फैमिलीज के साथ सेटअप शुरू किया, जो आज बढ़ते बढ़ते तकरीबन 1500 फैमिलीज के आसपास है। जिंदाबाद। ये जो इट्सेल्फ बहुत ही माशाल्लाह इंस्पिरेशन है जिस तरह उन्होंने भी कहा, तो ये इसको हम लोगों की आगही, चूंकि आपका जो KDSP है उसमें भी आगही बहुत बुनियादी चीज है, उसके बाद फिर जो है वो, तो ये लोगों के समझने के लिए कि इसको क्या कहना चाहिए। हम आमतौर पर इस तरह की किसी भी चीज को माजूरी कह देते हैं, हम कह देते हैं कि नो कोई ज़हनी मसला है या कोई ऐसी चीज़, तो आप ज़रा लोगों को गाइड कीजिएगा कि इसको क्या समझना चाहिए, और ऐसी कोई भी सूरत हाल हो या ऐसे कोई भी बच्चा है उससे एक आम आदमी को कैसे मिलना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, और वालिदैन पर अगर ये ऐसी कोई सूरत हाल हो जाती है तो उनको कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये समझना ज़रूरी है कि डाउन सिंड्रोम किसी बीमारी का नाम नहीं है। ओके, ये एक जेनेटिक कंडीशन है सर। ये ऐसा ही है जैसे अगर आपकी जेनेटिक्स डिफाइन करती हैं कि आपका कद 5 फुट 8 इंच होगा और मेरा कद 6 फुट 3 इंच होगा, तो क्या मैं बीमार हूँ या आप बीमार हैं? हम मुख्तलिफ हैं, हमें अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ तरीके से बनाया और हमें मुख्तलिफ चीज़ों की ज़रूरत है अपनी ऑप्टिमल डेवलपमेंट के लिए। तो डाउन सिंड्रोम कोई बीमारी नहीं है, हमारा सिर्फ जेनेटिक मेकअप डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, डाउन सिंड्रोम जो लव्ज है ना, अक्सर लोग ये समझते हैं कि क्योंकि इसके साथ डाउन एसोसिएटेड है तो वो डाउन क्योंकि एक नेगेटिव वर्ड है, कम तर, लेस देन, यू नो, तो लोग समझते हैं कि इन बच्चों की भी यानी ये किसी से कम है। इसकी असल कहानी ये है कि इंग्लैंड में एक डॉक्टर हुआ करते थे जिनका नाम था जॉन लैंगडन डाउन, और उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि ये कैसा जेनेटिक मेकअप होता है जो इन अफराद के अंदर पाया जाता है। प्रॉब्लम कहना, इसको इश्यू कहना, या जैसा मैंने शुरू में आजमाइश कह दिया है ना, तो इन इस कंडीशन का नाम एक तरह से जॉन सिंड्रोम भी हो सकता था, लैंगडन सिंड्रोम होता तो अब एग्जैक्टली, तो अब वो सरनेम क्योंकि उनका डाउन था इसलिए ये डाउन सिंड्रोम, तो बीमारी कतन नहीं है, लेकिन डाउन सिंड्रोम होने की वजह से विद दैट डाउन जो हम नो सर, देयर इज नो आजमाइश, देयर इज नो चैलेंज। हां, सर्टेन बीमारियों की प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाती है, अब उसके अब हमें हल निकालने ना, ताकि लोगों को वो सर्विसेज मिल सके, और दैट इज वेयर KDSP कम्स इन। जल्दी जल्दी से बात करते हैं, एक ऐसी फैमिली हमारे साथ मौजूद है। माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।
क्या हाल है आपके? चल रहा है आप, बस आप देखिए इसको लाइए। हेलो। हाँ बिल्कुल ठीक है, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अच्छा बस हम जरा मुख्तसर आपसे जानेंगे माशाल्लाह। हेलो। क्या बात है कि KDSP जो है वो अगर एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ कर लें कि ना होता आपकी ज़िंदगी में, तो क्या लगता है कि क्या प्रॉब्लम्स होती हैं आपकी ज़िंदगी में अगर ऐसा इदारा आपको गाइड करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए मौजूद ना होता? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबको मैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। KDSP ने हमें बेसिकली जो बेसिक चीज़ें होती हैं इन बच्चों के बारे में, तो उससे हमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सीखने को मिली। तो KDSP अगर ना होता तो शायद हमारा बच्चा ऐसे स्टेज पे ना होता, क्योंकि अभी जिस हिसाब से इसकी थेरेपीज करने वाली जो टीचर्स हैं वो हमें बताती हैं कि ये बच्चा जो है बाकी बच्चों से बेहतर है, क्योंकि इसके हमने फर्स्ट डे से थेरेपीज शुरू करवाई हैं। माशाल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र है और KDSP ने काफ़ी जो है हमें जो है वो हेल्प किया, हेल्प आउट किया। बिल्कुल। ये मैं आपसे, आप तो इसे थाम के रखे, मैं माइक थाम लेता हूँ। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि माशाल्लाह इस एज इसी एज से KDSP जो है वो आपको गाइड करने के लिए मौजूद है, तो यू नो वो चैलेंजेस बहरहाल जो हो सकते थे उनसे किसी हद तक आप नबूर आजमा आसानी से हो सकती हैं जी। तो आपको कैसा लगता है जब आप KDSP आती हैं या इसकी थेरेपीज होती हैं या मुख्तलिफ सेशंस होते हैं? पहले तो मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक माइक इसको दे देते हैं, मेरा ख्याल है। लाइए। हाँ जी ये लो। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं KDSP जाती हूँ, वहाँ पे फैमिली की तरह माहौल मिलता है मुझे। बहुत अच्छे से इसको टीचर देखती हैं, सब बहुत अच्छे से गाइड करती हैं, और अल्लाह वाला का तो मैं दिल से इनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक वसीला है। बिल्कुल ऐसे सलामत रहें, और ये बड़ी शानदार जर्नी है माशाल्लाह के बाद। तकरीबन 2014 में इसकी बुनियाद रखी गई जी। बिल्कुल। और अब हो गए 6-8 साल चल रहे जी। बिल्कुल। आपसे हम खास तौर पर जानना चाहते हैं कि जब ऐसा कोई बच्चा बोलने लगता है थेरेपीज के बायस, यू नो ये रिस्पॉन्स, वो एहसास कैसा होता है यू नो एक थेरेपिस्ट के तौर पे, कैसा लगता है वो? देखिए एज ए थेरेपिस्ट जब ये बच्चे पहली दफ़ा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, उससे पहले ये लफ्ज़ों से पहले और तरीक़ों से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। ये अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपने चेहरे के तासुरात से, और अगर हम उनको इशारों की ज़बान सिखाते हैं तो उनसे भी। तो समटाइम्स ये लव से पहले ये जो एक खुशी का मौका होता है ना वालदेन के लिए कि बच्चे ने मम्मा बोला जी, 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 या मुझसे कुछ बाबा बोला, बिल्कुल, तो वो उससे पहले ही आ जाता है। एंड मेरा ख्याल है एज थेरेपिस्ट हमें जो खुशी होती है वो तो कुछ भी नहीं है कंपेयर टू जो वालदेन को वालदेन को होती है। बिल्कुल सही, क्योंकि उनके लिए तो दैट चाइल्ड वो उनकी जिंदगी का महवर है ना वो बच्चा। बिल्कुल ऐसा ही है। अली भाई KDSP किस तरह से काम कर रहा है? ज़ाहिर है इस काम के लिए जैसे आपने बताया कि 1500 खानदान जुड़ गए हैं अब इससे, उसके लिए डेफिनेटली फंड्स की ज़रूरत होती है, और माशाल्लाह ज़ाहिर है अल्लाह ने आपको नवाजा, तो आपने अपने तौर पर तो जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आप, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स आए, मगर क्या कोई और भी इसमें मुआवनत कर सकता है, साथ चल सकता है, आगे बढ़ सकता है जी, आपका हाथ थामने के लिए? जी इकरार भाई, सो KDSP का मैं आपको अगर बहुत ब्रीफली बता दूं ना, हम एक बहुत कॉम्प्लेक्स इदारा इस सेंस में है कि बहुत सारे बेहतरीन नॉन प्रॉफिट्स काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन ईजी टू अंडरस्टैंड एक एक एरिया में काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे कोई इदारा हेल्थ केयर में काम कर रहा है, कोई इदारा तालीम के शोबे में, कोई वोकेशनल ट्रेनिंग में। हम डाउन सिंड्रोम की दुनिया का वन स्टॉप सोल्यूशन है पाकिस्तान के लोगों के लिए। यानी KDSP में आपको जब कोई भी फैमिली जिसका बच्चा जिसको डाउन सिंड्रोम होता है, चाहे वो हेल्थ केयर की सर्विस हो, चाहे थेरेपी हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे वोकेशनल ट्रेनिंग हो, चाहे फैमिली सपोर्ट सर्विसेज, इमोशनल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, ये अंडर वन रूफ है। और ये काम ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में इसकी ट्रेन रिसोर्सेज बहुत आसानी से अवेलेबल भी नहीं है, तो इट इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क। तो हम बाहर की दुनिया से बहुत ज्यादा सीखते हैं, और लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा लगती है, और मेहनत के साथ साथ जाहिर है रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा लगती हैं। तो हम लोगों को यही दावत देते हैं। शुरू में तो आप सही कह रहे हैं, जब छोटे थे तो हम दोस्तों के साथ मिलके फैमिली इकट्ठा, लेकिन अब ये इदारा जो है बड़ा हो गया है,
और अब हम लोगों से भी अपील करते हैं, अपने काम के बारे में लोगों में आगही फैलाते हैं और लोगों को दावत देते हैं कि आए हमारे साथ जुड़ें और अपनी डोनेशंस और ज़कात के साथ KDSP को सपोर्ट करें। चलिए जिंदाबाद, क्या कहने जी, मैं हमेशा आपसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगता है और आपका काम बार बार जब हम उसको दोहराते हैं और भी अच्छा लगता है। अल्लाह ताला आपको इसी तरह से इस्तकामत और हिम्मत दे। फैज़ा हाफ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, कभी वहाँ आके भी हम इसको रिकॉर्ड भी करेंगे। मैं तो जरूर एक दो बरस हो गए कि नहीं आ सका, बिकॉज ऑफ कोविड शायद हम नहीं रिकॉर्ड कर पाए, लेकिन क्या शानदार काम है और क्या बेहतरीन खिदमात हैं। अपने कारोबार से, अपनी ज़िंदगी से, एक तो वक्त निकालना और वक्त के साथ साथ ज़ाहिर रिसोर्सेज भी, तो मुझे यकीन है कि आप में से बहुत सारे लोग इंशाल्लाह अली अल्लाह वाला का हाथ थामेंगे और ये कार्रवाई यूं ही चलता रहेगा। डिटेल सारी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं और हमारी पूरी सपोर्ट है इनके इस पैगाम के लिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि आप लोग इन्हें सपोर्ट करें ताकि ये चीज़ और ज़्यादा ऑर्गेनाइज अंदाज से, वन स्टॉप सॉल्यूशन बड़ा आम होता है ऐसी चीज़ों में, वरना लोग बेचारे इसी में रुल जाते हैं कि एक काम के लिए यहाँ धक्के खा रहे हैं, दूसरे के लिए वहाँ जा रहे हैं, तीसरे काम के लिए वहाँ जा रहे हैं। अगर वन स्टॉप सॉल्यूशन हो एक मसले से मुतालिक, तो एक नो डाउट एक बड़ी एक्सीलेंट फैसिलिटी। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। बहुत सारी दुआएं, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू सो मच। उससे दोस्ती होगी मेरी भाई। जनाब एक ब्रेक लेते हैं, नेकी एक और पहलू से इस छोटे से वक्फे के बाद हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।